हाल ही में गपशप गली में खबर थी कि सारा अली खान हिंदी मीडियम में इरफान खान की बेटी बनेंगे, लेकिन अब अगर सूत्रों की माने तो ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी मीडियम 2017 की बेस्ट फिल्मों में से एक थी और अब इसके सीक्वल पर तेजी से काम चल रहा है। खबरें थी कि सीक्वल में सारा अली खान इरफान खान की बेटी के किरदार में नजर आ सकती हैं, लेकिन अब इन खबरों को बकवास बता दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा है कि केदारनाथ के प्रोड्यूसर ने फिल्म से अपना हाथ खींच लिया है और सारा का डेब्यू लटक गया है। सारा अली खान ने अभी बॉलीवुड में डेब्यू नहीं किया है, लेकिन ये सब जानते हैं कि सारा के पीछे फिलहाल पूरा बॉलीवुड पड़ा हुआ है। हर कोई उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता है। अब उनकी डेब्यू फिल्म केदारनाथ का भविष्य जाने क्या होगा। गौरतलब है कि इससे पहले सारा कम से कम 7 फिल्में रिजेक्ट कर चुकी हैं, जिनमें सनी देओल, अनुष्का शर्मा, सलमान खान और करण जौहर जैसे बड़े लोगों की फिल्में शामिल हैं। इस साल दिसंबर में उनकी फिल्म केदारनाथ रिलीज होनी है। जानिए यंग स्टार्स की कुछ आने वाली फिल्में। दैश आने वाली यंग फिल्में सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म 23 फरवरी को रिलीज हो रही है। फिल्म रोमांस और रोमांस के बीच फंसे एक लड़के की कहानी, जिसका बेस्ट फ्रेंड और गलत फ्रेंड एक दूसरे की जान लेने की हद तक एक दूसरे से नफरत करते हैं। दिल जंगली साकिब सलीम और तापसी पन्नू की ये फिल्म 9 मार्च को रिलीज हो रही है और वैलेंटाइन सीजन का बेस्ट तोहफा माना जा रहा है। हेट स्टोरी 4 विशेष फिल्म की इस खास सीरीज का चौथा पार भी होली पर चल जाएगा, जैसा कि 1921 का नया पार्ट चला है। बागी 2 टाइगर श्रॉफ की बागी 2 पहले सलमान के लिए बन रही थी, लेकिन सलमान के पास समय कम था, लिहाजा फिल्म को बागी 2 के लिए फाइनल कर लिया गया। फिल्म तमिल रीमेक है। मणिकर्णिका कंगना रनौत की ये फिल्म कैसी बनेगी, उसी से फिल्म का प्रदर्शन अच्छा होगा। फिलहाल तो ये आसार ना के बराबर है। राजी राजी आलिया भट्ट और विक्की कौशल की फिल्म है। फिल्म एक पाकिस्तानी एजेंट और एक कश्मीरी लड़की की कहानी है। भावेश जोशी फिल्म शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहले इस प्रोजेक्ट में इरफान खान थे, जिन्हें हर्षवर्धन कपूर ने रिप्लेस किया है। धड़क करण जौहर श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर और शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर को सैराट रीमेक से लॉन्च करने जा रहे हैं। पल पल दिल के पास सनी देओल अपने बेटे करण देओल को इस फिल्म से लॉन्च करेंगे। हालांकि फिल्म की रिलीज डेट फिलहाल तय नहीं है। दो और फिल्मों की रिलीज डेट अनाउंस हुई है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 23 नवंबर को और अर्जुन पटियाला 21 सितंबर को रिलीज हो रही है।